डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ये क्लास फाइव का मैथ है और चैप्टर टू का एक्सरसाइज थ्री, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड हैंस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट सेवन इन ईच केस। सबसे पहले तो इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद क्या बोला गया है, द प्लेस वैल्यू, और फिर इसको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, मतलब प्लेस वैल्यू इसका निकालना है। इसका ये दो चीज़ बोल रहा है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से बना हुआ है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, शॉर्ट में लिखा गया है, आप इसको समझ जाएंगे। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लाख, टेन लाख, करोड़, ये हो गया। अब इसमें ए बी सी डी ये चार्ट दिया हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पे सेटल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेटल करेंगे, इधर से लिखेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे 029 ए नंबर का है, 029 ये हो गया। उसके बाद 657, 657 और 3, ये कंप्लीट हो गया। अगर इधर से लिखते हैं तो अभी हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं और ये गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग को इधर से लिखना है, राइट साइड से। उसके बाद ये बी नंबर का यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 804, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो घर बनाया गया है, इसमें हम पहले देख लिए हैं कि ये एक सबसे लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, करोड़ का दिया हुआ है, इसीलिए मैंने करोड़ का ये इतना बड़ा घर बनाया। तो हम लोग बी नंबर का लिखना शुरू करते हैं, 8804, 260, 260, 73, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको लेते हैं 64604, 604, 3500, 3500 और 7, ये हो गया कंप्लीट। और ये डी नंबर में 869869, 527527, 5273, ये हो गया कम्प्लीट। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, तो टेन लाख तक ये आया, और दो ठो है और दो ठो करोड़ में है। अब इसका ये हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट में, ये सेटिंग हो गया। अब इसका जो है हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू सिर्फ सेवन का निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेवन का प्लेस वैल्यू सिर्फ निकालना है। तो सेवन का निकालते हैं, सब में सेवन कहाँ पर है, तो ए नंबर में ए का प्लेस वैल्यू, ए नंबर में प्लेस वैल्यू सेवन का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे लाख में, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा सेवन लाख, सेवन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो फाइव जीरो देना है, थ्री, फोर, फाइव, ये कंप्लीट हो गया। और बी नंबर में, बी नंबर में इसी तरह से हो जाएगा इसका सेवन का, तो यहाँ पे मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूँ, आप जो है इसको लिख लेंगे, और ये डायरेक्ट मैं इसका दे दे रहा हूँ सेवन, ये सेवन हो गया, टेन लाख इसमें है और कहीं सेवन नहीं है, तो ये हो गया सेवन। और ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस पर सिक्स जीरो लगेगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सी नंबर में, सी नंबर में ये सेवन यहाँ पे करोड़ में है, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन पे सेवन जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये हो गया कंप्लीट। और डी नंबर में, डी नंबर में सेवन यहाँ है, लाख में है, तो टू, टू, फोर, वन, फाइव, तो सेवन पे फाइव जीरो, सेवन पे फाइव जीरो, वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हो गया कंप्लीट। ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना बहुत ही आसान होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक्चुअली अभी हम लोगों को सिर्फ ईजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ वन लिखा हुआ है, अब ध्यान दें, यहाँ वन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ वन लिख देते हैं, और इसके बाद कितना दिया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स जीरो लगा देना, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, टू, सिक्स हो गया, और इसमें प्लस देते हैं, फिर सिक्स लिखना है, तो
तो यहाँ पे 6 0 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 प्लस अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिखते हैं और इसमें 4 0 लगाना, 1 2 3 4 फिर प्लस देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये 1000 के घर में कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। ये 500 के घर में है तो 5 पे 2 0 लगाते हैं और प्लस 3 3 और 3 के बाद 1 2 है तो 1 0 प्लस और 4, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बी नंबर में लेते हैं, बी नंबर में 4 है तो 4 4 के बाद 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है 4 0 है तो 3 लेते हैं, 1 2 3 4 और 2 के बाद प्लस 2 के बाद 1 2 3 3 0, 1 2 3 फिर प्लस उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, 100 में नहीं है, 10s में भी नहीं है तो 1s में है 5, तो 5 के बाद 0 हमको देना नहीं है। ये कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। 7 में 7 दिया हुआ है तो 7 लिखते हैं और इसके बाद 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 दिया हुआ मतलब 7 डिजिट है, नंबर है तो 7 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस हो गया 8 लिखे हैं और इसमें 6 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 7 लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ प्लस दिए, फिर 2 और यहाँ पे 5 0 लगेगा, यहाँ 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 फिर प्लस और यहाँ पे 2 के बाद यहाँ खाली है, 10,000 के घर में 1,000 के घर में भी खाली है और यहाँ 6 तो 6 लिखेंगे, 6 और उस पर 2 0 फिर प्लस 7 लिखेंगे, 7 और 7 के बाद 1 2 है तो 1 0 और उसके बाद नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस पे 0 है तो इतना ही रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग, इसमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग 3 लेते हैं और उसके बाद 2 2 4 2 6 और 1, 7 हो गया तो 7 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 4 दिया हुआ है, 4 हो गया और उसके बाद 2 2 और 2 6 हो गया तो 6 0 लगाते हैं, 7 के बाद 6 0 लगेगा, 4 5 6 हो गया प्लस 9 दिया हुआ है तो 6 के बाद 5 तो 5 0 इसमें लगेगा, 3 4 5 प्लस यहाँ पे 10,000 के घर में कुछ नहीं दिया हुआ है और 1,000 के घर में 9 दिया हुआ है तो फिर हम लोग 9 लेते हैं, 9 तो 3 0 लगेगा प्लस 100 के घर में कुछ नहीं दिया हुआ है और 10s के घर में भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 1s के घर में 5 लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। और ये 2 नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म को हिंदी में विस्तृत रूप बोलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है इसको ठीक से पहले पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन ईच केस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सपेंडेड फॉर्म जो हम लोग अभी बनाए हैं उसको बनाना है, उसके बाद प्लेस वैल्यू निकालना है किसका, 9 का। इसमें जो भी 9 जहाँ पे है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है, इसको ध्यान रखना है कि 9 का प्लेस वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक्सपेंडेड फॉर्म पहले बना लेना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग इसको बनाते हैं पहले। तो अभी एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम लोग बनाए वैसे बनाना है, 4 पे 2 2 4 2 6, ये 6 0 हमको डालना है, 3 4 5 6 प्लस 9 तो यहाँ पे 5 0 डालेंगे, 3 4 5 और 2 तो यहाँ पे 4 0 डालेंगे, 1 2 3 4 ये हो गया। और यहाँ पे 1000 के घर में नहीं दिया हुआ है, 100 के घर में दिया हुआ है 5 तो यहाँ पे हो गया 5 पे 2 0 हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, प्लस ये 6 दिया हुआ है तो 6 हो गया, 6 के बाद 1 1 0 लगेगा और प्लस 1 उसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये नहीं रहेगा। इसका प्लेस वैल्यू जो है 9 का प्लेस वैल्यू आप देख रहे हैं, 9 यहाँ पे है और 9 कहीं नहीं है, मतलब प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू इक्वल टू 9 पे 5 0, 1 2 3 4 5 तो ये इसका, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म और ये प्लेस वैल्यू दोनों इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग बी नंबर में चलेंगे, यहाँ पे बी नंबर में आते हैं और 9 दिया हुआ है तो 9, उसके बाद 2 2 4 2 6 और 9 पे हम लोग 7 0 लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 ये हो गया और इसमें प्लस 5 तो इसमें 6 0 लगेगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पे
और 10 लाख लाख, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 10,000 में 3, तो 3 पे कितना जीरो लगेगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 5 पे 3 जीरो लगेगा 5, 1 2 3 प्लस, और 2 पे लगेगा, 2 पे 2 जीरो लगेगा 2 1 2 प्लस, टेंस के जगह पे 0 है मतलब खाली है तो उसको कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ पे 6 1s के प्लेस पे 6, इस पर कोई जीरो नहीं लगेगा, और यहाँ पे 9 का आप देख रहे हैं 9 नंबर यहाँ पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, मतलब इस नंबर को लिखेंगे हम लोग, तो प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ये हो जाएगा कितना जीरो, 2 4 6 7, 9 पे 7 जीरो लगेगा, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इसका आंसर। और सी नंबर पे 2 है और इस पर 2 4 6 7, मतलब 2 पे 7 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 है तो 3 पे 6 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 पे लगेगा 6 हो गया, यहाँ 5 होगा तो 5 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 प्लस 9 पे प्लस 5 जीरो हो गया, तो 9 पे 4 जीरो हो जाएगा, 9 1 2 3 4 प्लस 5 पे 3 जीरो, 5 1 2 3 प्लस 6 पे 2 जीरो, और टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है तो उस पर नहीं लेंगे हम लोग, 1s के प्लेस पे लेंगे तो 4 हो गया, उस पर कुछ नहीं, और इसका प्लेस वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 9 कहाँ है, यहाँ है, 9 पे 4 जीरो, तो इसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 9 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और डी नंबर में यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं, इसको 3 पे 2 2 4 6, 3 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस, यहाँ पे इसके बाद नहीं दिया हुआ है तो 7 पे आ जाएगा 2 4, 1 2 3 4 प्लस, फिर 7 के बाद 0 है तो यहाँ नहीं चल, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे 5, तो 5 पे 2 जीरो प्लस 9 पे 1 जीरो, और ये ख़त्म हो जाएगा, 1s पे 0 है तो यहाँ पे 9 कितना है, ये यहाँ पे 10s प्लस पे 90 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 90, तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, तो क्या बोल रहा है इसमें हम लोग पढ़ के देखते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट्स, तो जो इनसर्कल किया हुआ है मतलब ये गोला लगाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं और 6 लिखते हैं इनटू क्या लिखेंगे, 1 पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको 6 पे 1 2 3 4, 6 पे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, कंप्लीट हो गया, ये प्लेस वैल्यू इसका निकल गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लेते हैं, और यहाँ 9 पे आप ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, कंप्लीट हो गया। और इसको ऐसे करेंगे 4 और इंटू कर सकते हैं 100, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसके बाद 2 जीरो है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गया, और इसके बाद ये 4 और 00 आंसर, ये बन गया इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब हम लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिजिट्स इन द रिक्वायर्ड प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो रिक्वायर्ड प्लेस क्रोड प्लेस पे इस जो डिजिट दिया हुआ, ये जो नंबर दिया हुआ इतना बड़ा, ये क्रोड प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 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 10,
गया। और बी नंबर पे लाख प्लेस, तो लाख प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टू, तो लाख प्लेस पे कौन सा है, टू, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, जो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बना रहे थे उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, उसको शॉर्ट करना है, तो मैं बुक में आप लोगों को दिखा देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं
ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग, 7 पे 70 है, 7 पे 60 है, और यहाँ पे 2 50 है, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे सीरियल नंबर से अगर 0 है तो आपको गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन अगर सीरियल नंबर से 0 नहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम मिलेगा, तो फिर आपको गड़बड़ होने की संभावना है, तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ। तो 5 हो गया, ये 7 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ 7 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 40 30, तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 3 20 हो गया, तो 2 यहाँ पे है, और 4 2 के बाद 1 10 है, तो 4 हो गया, और ये 7 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh, मतलब ये सही है। अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, इसको डिटेल में बनाइए आप, इसमें जो है क्या होगा, आपको गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है। तो हम इसको डिटेल में बनाते हैं, 7 पे कितना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 6 0 है, तो आप फटाफट से लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 पे 60 है, तो यहाँ 5 लिख के, और 1 2, ये ध्यान रहे कि ये सब बराबर होना चाहिए, 3 4 5, 2 5 है, तो 50 हो गया, और यहाँ पे 40 है, 7 1 2 3 4, 3 पे 1 2 3, और 2 पे 2 4 4 पे 1, और ये 7। इसमें आपको स्पेस काफ़ी खाएगा, कोई बात नहीं, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 7 4 2, और ये 3 7 5, और ये 7, इसके साथ मैच कर रहा है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बी नंबर में लेते हैं, तो बी नंबर में क्या है, ये इसका आंसर हो गया। बी नंबर में ये देखिए 2 2 लिए, 2 4 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, और 1 2 3 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 2 नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले हम लोग 2 1 2 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 1000 में है, और ये टेंस में चला गया, तो मतलब 100 पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 दिए, और फिर 3, और ये 2। 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh, मतलब ये कंप्लीट हो गया, ये 1000 के घर में है, ये टेंस के घर पे है, और ये 1s के घर पे है। इसको डिटेल में भी इसको बना सकते हैं, तो 2 पे कितना 0 है, 6, इसको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 50 है, तो 1 पे 1 2 3 4 5, और उसके बाद 3 पे 40, 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 पे 30, 1 2 3, और 3 पे देखिए यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 3 पे इधर से बराबर करना है, और 2 यहाँ प्लस, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, 4 3 1 2, ये 21 34 21 34 0 32, ये कंप्लीट हो गया। सी नंबर में, सी नंबर, ये इसका आंसर हो गया। सी नंबर में 1, इसमें आपको गड़बड़ी हो जाए इसके लिए आप सबसे बेहतर है कि आप इस 0 जितने दिया हुआ है उसको आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6, और ये 1 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सीरियल नंबर से चल रहा है, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 2 3 5 हो गया, और ये 3 हो गया, 5 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है, इसीलिए यहाँ गड़बड़ी होने की संभावना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर 3 हो गया, 3 के बाद 4, फिर 2, और 1, 1s प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, सीरियल नंबर से चल रहा है, और यहाँ पे जो है ये 50 है यहाँ पे, और यहाँ 30, मतलब 40 वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, 10, और ये 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ 6, और ये 1s प्लेस पे नहीं है, तो 0, यहाँ पे 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore, यहाँ पे 1 stands 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। वन पे 1 2 3 2 2 4 2 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 पे 1 2 3 4 5 6, 5 पे 1 2 3 4 5, और 3 पे 3, तो यहाँ से लेंगे 3 पे 3 बराबर होना चाहिए, फिर 4 4 पे 2 यहाँ पे, और ये 60, इसको करेंगे प्लस, ये हो गया, इसको करेंगे प्लस, तो 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3, और फिर 0 यहाँ पे, 5 8, और ये 1,
इक्वल हो गया 185 185 03 03 460 कंप्लीट हो गया ये। अब डी नंबर में हम लोग लेते हैं डी नंबर ई नंबर, तो डी में लेते हैं इसको जो है हम लोग लॉन्ग फॉर्म में नहीं लेंगे, इसको हम लोग बस इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ पे 9 हो गया तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सीरियल नंबर से चल रहा है। यहाँ तक तो सीरियल नंबर था, अब यहाँ पे 6 हो गया 1 2 3 4, मतलब सीरियल नंबर नहीं है, 5 वाला छूट गया। तो यहाँ 0 1 लगाएंगे और 6 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 0 है और यहाँ पे 2 0, मतलब 3 वाला नहीं है, तो इसको 1 0 डालेंगे और 3 लगाएंगे। फिर यहाँ पे टेंस प्लेस पे नहीं है तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे और फिर 9, ये कंप्लीट हो गया। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे ई नंबर में, ई नंबर में वर्ड्स का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है इसको 3 करोड़, तो 3 लिख सकते हैं, 3 करोड़ हो गया 29 लाख, तो 29 लाख हो गया। उसके बाद 2000 मतलब 10,000 के जगह पे ये ब्लैंक है, खाली है, तो वहाँ पे 0 लगाएंगे और 2 लगाएंगे। फिर 2000 हो गया 2000, और 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ 0 लगाना होगा। और 10 के प्लेस पे 1 है 1, और 9 के प्लेस पे 1 के प्लेस पे 9 है, तो ये हो गया 9। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ आ गया। 29 लाख 2000 टेंस 19 हो जाएगा, वो टेंस और 9 वंस प्लेस पे, तो 19 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर इसको इस फॉर्म में करके बनाएंगे तो इतना ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है, इसको पढ़ के हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी आर, कितने होते हैं, थाउजेंड्स इन, ये जो नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर में कितने हज़ार हैं, कितने थाउजेंड्स हैं, तो पता कैसे चलेगा हम लोगों को, थाउजेंड्स, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो ये थाउजेंड्स जो है यहाँ पे जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक का नंबर हम लोग इधर वाला ले लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि इतने थाउजेंड्स हैं। थाउजेंड्स ये 1 7 8 0, इतने थाउजेंड्स हैं। तो इसको और पता करने के लिए एक और तरीका है, इसको क्या करेंगे, हम थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे इसको, इस ये जो नंबर है 780535 को हम अगर डिवाइड कर दें थाउजेंड से तो क्या होगा, 1 बार में जाएगा 1, ये जो है 1 हो गया 1000, तो 780 और उसके बाद एक तो नंबर आ जाएगा 5, उसके बाद 7 बार में जाएगा 7, फिर 7000, फिर 805 ये कट गया, फिर 3 आ जाएगा और इसको 8 बार में जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए और 8000 ये हो गया 5 3, कट गया उसके बाद क्या आया 3 तो आ गया था, ये 5 आया उतरने के बाद कोई भी नंबर जो है ऊपर से नीचे आए और डिवाइड ना जाए, क्योंकि अब छोटा है ये डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो ये इतना आया, तो इसका आंसर इतना आया, इसका मतलब है कि आंसर ये होगा, इतना थाउजेंड है इसमें। और अब इसमें देखेंगे हम लोग तो इसको जो है इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 1 लाख से अगर डिवाइड कर देते हैं इसको तो वो आंसर आ जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग बनाएं इसको, तो इसको क्या करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख की बात कर रहा है तो लाख यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये हम इधर वाला जितना नंबर है इसको ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 803 ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, कंप्लीट हो गया। अब ये सी नंबर में क्रोर सीन, इसमें इस नंबर में कितना करोड़ है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे ही खत्म हो चुका है, ये करोड़ इसमें आया ही नहीं, मतलब इसमें कोई भी करोड़ नहीं है, तो नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 आंसर, ये कंप्लीट हो गया। और ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट पूरी तरह खत्म हो गया है। बच्चों अगर आप लोगों को कहीं भी इसको बनाने में डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आप हमसे पूछ सकते हैं कहीं भी डाउट है तो। और एक चीज़ जान लीजिए कि मैथ जो है उसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ को जो आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, उसके बाद ये सब जो मैथ है वो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये टीचर के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा तो हार्ड रहता ही है। और इसको अगर आप बढ़िया से नहीं सीखते हैं अभी तो फिर आगे चल के जो आने वाला मैथ जो है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप इसको बढ़िया से सीखिए, ध्यानपूर्वक इसमें जो है टाइमिंग दीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमारी वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिए, और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।